अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सभी का मेरे YouTube चैनल फैज़ान औलिया में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। आज हम ज़ियारत करेंगे रियासत महाराष्ट्र के ज़िला औरंगाबाद के तालुका खुलदाबाद शरीफ के मशहूर व मारूफ तरीन बुज़ुर्ग जिनका नाम मुबारक शेखुल मशायक हज़रत मौलाना मखदूम ख्वाजा सैयद शाह ज़ैनुद्दीन दाऊद हुसैन शिराज़ी अल मारूफ बाईस ख्वाजा रहमतुल्लाहि अलैह हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह शिराज़ के रहने वाले हैं। हुसूल तकमील बातिन के लिए आप रहमतुल्लाहि अलैह खुलदाबाद तशरीफ़ लाए और आप रहमतुल्लाह अलैह के पीर व मुर्शिद हज़रत ख्वाजा शेख बुरहानुद्दीन करीब औलिया रहमतुल्लाह अलैह हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह को उनसे खरख़े खिलाफत अता हुआ और आप रहमतुल्लाह अलैह को पहरन मुबारक भी अता हुआ जो सरकार मदीना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से होते हुए हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हज़रत इमाम जैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हज़रत इमाम बाकिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से होते हुए हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी चिश्ती अल मारूफ ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह से होते हुए हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से होते हुए हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह से होते हुए हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह से होते हुए हज़रत आपके पीर मुर्शिद हज़रत ख्वाजा बुरहानुद्दीन गरीब औलिया रहमतुल्लाह अलैह से फिर आप हज़रत सैयद जैनुद्दीन दाऊद हुसैन शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैह को पहरन मुबारक अता हुआ जो आज तक आपके बारगाह शरीफ में है। हर साल 12 रबीउल अव्वल को पहरन मुबारक की ज़ियारत कराई जाती है। लाखों की तादाद में अकीदतमंद आकर पहरन मुबारक की ज़ियारत करते हैं। मेरे वीडियो को शुरू से आखिर तक पूरा देखें और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। आइए चलते हैं बारगाह शरीफ की ज़ियारत करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दिल में हो याद नबी और कज़ाई हो, दिल में हो याद नबी में हो याद नबी और कज़ाई हो, दिल में हो याद नबी और कज़ाई हो, उनके दीवान से यूं रिहाई हो, उनके दीवाने की दुनिया से यूं रिहाई हो, दिल में हो याद नबी और कज़ा लब पे हो सल्ले अला का मदद को आओ, लब पे हो सल्ले अला का मदद को आओ, आका
इनका नाम है खुलासे आले तहा बजासी फतवुल मशायख हजरत ख्वाजा मखदूम सैयद खैर उद्दीन मौलाना दाऊद बिन हुसैन शीरानी चिश्ती उर्फ बाईस खाजा। इनको बाईस खाजा क्यों बोला जाता है? अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैरहान मुबारक आपको 22वें नंबर पे अता हुआ और अगर दिल रहमतुल्लाह इन्हीं की वजह से इनके जेर सानिया है। जैसे आप लोग ज्यारत के लिए आए और नजीब रहमतुल्लाह की हुकूमत के दौर में ख्वाजा साहब की मजार शहीद जा रहे हैं, उनको जो तकलीफ थी यहाँ आने के बाद में आपको रूहानी तनवीर सुकून मिला था, इस मजार शरीफ पे हाथ रखे इनको रूहानियत में गैबाना की रूह मुश्त मांगे थे। उनके बेटे से आजम शाह से वसीयत किए थे कि हिंदुस्तान में किसी भी जगह में रहने का खास होगा मेरे पीर मुर्शिद के सरमू मिला। पैरहान शरीफ वो है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शबे मेराज हुई थी अर्श आजम पर ये अल्लाह ताला से तोहफा आता हुआ था। ये लिबास इस दुनिया में कैसे आया? ये दोनों आइनों में इसकी सनद है। ये फारसी में है, इसका हिंदी में जैसे इनके जेर साए में आए, जैसे आप लोग ज्यारत के लिए आए, औरंगज़ेब भी हुकूमत के दौर में 22 ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह की मजार शरीफ पे आते थे, उनको जो तकलीफ थी यहाँ आने के बाद में आपको रूहानी खलबी सुकून मिला था, इस मजार शरीफ पे हाथ रख के इनको रूहानियत में गैबाना पीर मुर्शिद माने थे, उनके बेटे से आजम शाह से वसीयत किए थे कि हिंदुस्तान में किसी भी जगह मेरा इंतकाल होगा मेरे पीर मुर्शिद के कदमों में ला के रखना। तो अहमदनगर में उनका इंतकाल हुआ, उनके बेटे ने आजम शाह ने वसीयत के मुताबिक आपके कदमों में ला के रखा। ये 22 ख्वाजा को टोटल 672 बरस का अरसा हो चुका है। आप आले रसूल है, शिराज के रहने वाले हैं, हजरत अली के और इमाम हुसैन के औलादों में से, सिजरा नसब से भी आपका 22वां नंबर है और सिजरा तरीक़े से भी आपका 22वां नंबर है। तो हजरत 22 ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह का संदल शरीफ किस तारीख को मनाया जाता है? 25 रबीउल अव्वल को मनाया जाता है और उर्स 27 को जो तो आपके खत में खाजगा जो तो पढ़ा जाता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और कुछ करामत के ताल्लुक से? करामत से बहुत सारी है आपके लिए, कोई एक बताइए, एक बता दीजिए। आपने जो सोफे सरमद को औरंगजेब ने जो खत किए थे तो औरंगजेब साहब को यहाँ से सब यहाँ से दिली सुकून सब कुछ अता हुआ था। इस मजाज तक कब में बेफिक्र रहूं सोता मैं उनके जलवों से मुनव्वर मेरी तन्हाई हो उनके जलवों से मुनव्वर मेरी तन्हाई हो और लाज रखेंगे मेरे आका बुरा हूँ तो क्या लाज रखेंगे मेरी आका बुरा हूँ तो क्या लाज रखे मुमकिन है मेरी हश्र में रुसवाई हो गैर मुमकिन है मेरी हश्र में रुसवाई हो हर वक्त आखिर मेरे सिरहाने से तुम आ जाओ आका वक्त आखिर मेरे सिरहाने से तुम आ जाओ वक्त आखिर मेरे सिरहाने से तुम आ जाओ आका वक्त आखिर मेरे सिरहाने से तुम आ
लिपटू कदमों से मेरी खूब जबी साई हो, लिपटू कदमों से मेरी खूब जबी साई हो, आका आ जाए तो फिर रूह की खिंचाई हो, और दिल है आबाद हमेशा तेरी यादों से शहा, दिल है आबाद हमेशा तेरी यादों से शहा, दिल है आबाद हमेशा तेरी यादों से शहा, कभी ऐसा याद नहीं आई हो, कभी ऐसा ना हुआ याद नहीं आई हो, और मुझसे कुदसी सुने सरकार की नाते आकर, मुझसे कुदसी सुने सरकार की नाते आकर, मुझसे कुदसी सुने सरकार की नाते आकर, कब्र में खूब मेरी उन से पजीराई हो, कब्र में खूब मेरी उन से पजीराई हो, सरे महशर या नबी आपके शैदाओं पर, सर महशर या नबी आपके शैदाओं पर, सर महशर या नबी आपके शैदाओं पर, बारिश नूर हो रहमत की घटा छाई हो, उनके दीवाने की दुनिया से यूं रिहाई हो, और मुझको सरकार बचा लो सरे महशर आकर, हमको सरकार बचा लो सरे महशर आकर, हमको सरकार बचा लो सरे महशर आकर, मेरे आका सरे महशर मेरी सुनवाई हो, मेरे आका सरे महशर मेरी सुनवाई हो, काश खालिद की हो पहचान सगे शाहे उमम, काश हम सब की हो पहचान सगे शाहे उमम, काश हम सब की हो पहचान सगे शाहे उमम, और इसी नाम से महशर में शनासाई हो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, हमारे चैनल फैजान अलिया को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप फिर मिलेंगे
किसी कामिल वली की बारगाह की ज़ियारत करेंगे। अब इजाज़त दीजिए अपने दोस्त सैयद अफसर कादरुश्शतारी को। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।